न हम पर दबाव है न हम दबाव में आएंगे। एक और कांड हुआ था नेहा हिरमत वाला किस्सा, जिसको कि एक लव जिहाद का कलर मिला है। कलर नहीं भाई जी, ये पक्का मामला ही लव जिहाद का है। यही मैं आपसे जानना चाहता था, इस पर अगर आप कुछ बता सके, क्योंकि सीएम और होम मिनिस्टर ने कहा है ये पर्सनल मामला है। वो अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के कारण ऐसा कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के कारण ऐसा कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, बच्ची को, किसी भी बच्ची को कॉलेज में सुरक्षा कैंपस में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए जी? इस तरह से हत्या होती है और उसको पर्सनल मामला बताकर इस सामाजिक दूषण से आप नजरें चुरा रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए। उनको तो बम ब्लास्ट होता है, वो भी गैस सिलेंडर का ब्लास्ट लगता है। जब एनआईए जांच लेती है तो पूरा पकड़ा जाता है। बेंगलुरु में 10 साल से बम ब्लास्ट नहीं हुए थे, इनकी सरकार आई, एसडीपीआई का समर्थन उठ लिया और अब बम ब्लास्ट होने लगे। अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण कितने नीचे जाएंगे, देश की सुरक्षा, बेंगलुरु की सुरक्षा, कर्नाटक की सुरक्षा, इसको भी कांग्रेस पार्टी ताक पर रख रही। ऐसे माहौल में जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की, कितनी सीटें देते हैं आप कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को? देखिए, अभी एक चुनाव होना बाकी है जी, मगर मुझे लगता है कि कमोबेश हम हमारी पोजीशन को बरकरार रखेंगे। जितनी सीटें पहली थी उतनी ही आपकी इस बार भी रहेंगी, ये तो मतलब बड़ा बयान है आपका। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में एक अमित जी अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। दो दल टूटे हैं, एक दल, एक टुकड़ा आपके साथ है, एक टुकड़ा उधर है। ये कहता है हमारा ओरिजिनल है, वो कहता है हमारा ओरिजिनल टुकड़ा है। मगर ऐसे में क्या आपको लगता है कि उद्धव और शरद पवार जी के लिए कुछ सिंपथी वगैरह थोड़ी वहां हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के साथ है जी। जो मोदी जी के साथ है उसको वोट मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन बने इस पर लड़ा जा रहा है। दो खेमे स्पष्ट है, एक और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए है, एक राहुल बाबा और शरद पवार, ममता जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस है जिसका कोई नेता ही नहीं। अब देश की जनता ने तय करना है कि किस व्यक्ति को चुनना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस है, दूसरी ओर 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और गर्मी आते ही छुट्टी पर जाने वाला दल है, विदेश में छुट्टी पर जाने वाला, क्योंकि यहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी छुट्टी न लेकर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी है। एक और अपने बेटे, बेटी, भतीजे, बहुओं के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल है, दूसरी ओर देश के गरीब, महिला, किसान, युवा के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी है। तो देश की जनता ने तय करना है कि देश को सुरक्षित करने वाला व्यक्ति चाहिए या वोट बैंक के लिए देश को सुरक्षा को ताक पर रखने वाले वोट चाहिए, देश के अर्थतंत्र को बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए या अर्थतंत्र को डुबोने वाला ग्रुप चाहिए। देश की जनता ने राहुल जी फैसला कर लिया है, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो दल मोदी जी के साथ है उसको वोट देगी। ये चुनाव मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। 41 सीटें थी आपकी पिछली बार गठबंधन की, इस बार आप नतीजे आने दीजिए, आप चौंक जाएंगे, वहीं से 400 होता है। तो महाराष्ट्र से आपको पूरी उम्मीद है कि 41 से पक्का? हम देखिए, आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए, कमोबेश यही परिणाम रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, हम 100% रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश हम 5 से 7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे। ओडिशा हम 16 के आसपास जा सकते हैं, और 16 और आसाम में भी 12 के ऊपर चले जाएंगे, 12 भी हो सकती है। बंगाल हम कम से कम 30 सीट जीतेंगे। पिछली बार आपने मुझसे 25 कहा था इंटरव्यू में, 30 ये तो हम जोड़कर अब निकाल ही सकते हैं कि कितना होगा, 370 होगा कि नहीं, आपने सारे आंकड़े दे दिए। ओडिशा में दोस्त दोस्त न रहा,
आप लोगों के रास्ते अलग हैं। वहां पे कल मैं प्रधानमंत्री को जब इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये ओडिशा की अस्मिता पर सवाल है इस बार, तो आप इसको कैसे देखते हैं, ओडिशा में क्या हो? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि ओडिशा विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ओडिशा की भाषा, ओडिशा की संस्कृति, ओडिशा का पहनावा, इसकी गरिमा पर भी गंभीर रूप से चोट हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि किसी भी राज्य की भाषा संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर राज्य का विकास अपनी संभावनाओं की सबसे ज्यादा संभावनाओं का दोहन करते हुए होना चाहिए, जो ओडिशा में नहीं हो रहा है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम अलग लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ओडिशा की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। आपने बड़ा नंबर दिया लोकसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका असेसमेंट अभी चुनाव की काफी देर है, प्रत्याशियों की घोषणा दोनों ओर से बहुत लेट हुई है। मेरा एक ही दौरा हुआ है, थोड़ा असेसमेंट आएगा, परंतु मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ओडिशा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। स्टेट में भी, स्टेट के चुनाव में? जी, उत्तर प्रदेश में आपने अभी कहा कि आप सीटें बढ़ाएंगे पिछली बार से। उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ाए मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 हो सकती है। अरे, तो बहुत ही बड़ा बयान है। आपका रिकॉर्ड 2014 का ब्रेक होगा जी, 71 और 73 हो सकता है। हम सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 भी जीत सकते। इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे, अखिलेश जी को, डिम्पल को मैनपुरी में हराएंगे, उनकी पूरी फैमिली फिरोजाबाद, आजमगढ़। मैंने संभावना कहा है कि हम 80 की 80 कर सकते हैं, हमारी सीटों की बढ़ोतरी होना निश्चित है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं, अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे, अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर नहीं लड़ना था तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी? किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था। ये कंफ्यूजन जो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अमित जी, अभी हम लोग कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पे ये देखा गया है कि जो तेजस्वी और जो गठबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार आपकी कुछ सीटों में कुशवाहा वोट काटने की कोशिश कर रहा है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बिहार में आप कॉन्फिडेंस है कि आप रिपीट करेंगे जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस था? साउथ इंडिया में एक बार चलते हैं। इस बार आप लोगों ने वहां बहुत समय बिताया, प्रधानमंत्री ने वहां बहुत दौरे किए, आपने खुद पर्सनली वहां पे बहुत दौरे किए, आपने बयान भी बड़े बड़े दिए हैं। तो साउथ इंडिया, एक अगर पूरा साउथ का सीन ले लें तो अगर 129-130 सीटों में आप कितनी सीटें देखते हैं? पिछली बार आपकी कर्नाटक साउथ के चारों राज्यों को मिलाकर हम कांग्रेस से तो आगे ही जाएंगे। कुल मिला के कितनी सीटें? क्या केरला